ये लीजिए आराम। अमोल जी, ये कौन है? वो तुषार जी है, मेरे पहचान वाले हैं। मैं जरा बात कर लेता हूं उनसे, तुम चली जाना। तुषार जी, मैंने आपको कितनी बार कहा है मेरे घर के आजू बाजू में मत आया कीजिए, साथ में बहू थी, आपने कुछ बोल दिया होता उसने सुन लिया होता तो। अरे मैं कोई चोरी कर रहा हूँ क्या? अरे अपने पैसे मांगने आया हूँ भाई। 2 साल पहले मैंने आपको 20 लाख रुपए दिए थे, अगर ये 20 लाख मैंने मार्केट में डाला होता ना तो 50 लाख रुपए हुए होते, पूरे 30 लाख रुपए का नुकसान हुआ है मेरा। कुछ नुकसान नहीं होगा आपका, आपको पूरे 50 लाख ही दूंगा मैं। मेरे बड़े बेटे मयंक का गेमिंग ऐप लॉन्च ही होने जा रहा है, और जैसे ही वो लॉन्च होगा ना आपके सारे पैसे लौटा दूंगा, वो भी इंटरेस्ट के साथ। चलो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं हुआ तो पैसे कैसे वापस लेने हैं इसका तरीका भी मुझे अच्छी तरह से आता है। चलता हूं। दिस ऐप हैज नो बग्स, इट इज रेडी टू लॉन्च सर। एक और बात, जितने भी एप्स हैं उसके मुकाबले इसका मेंटेनेंस बहुत कम है। मिस्टर मयंक, आई एम सॉरी टू से, आपके इस ऐप में बिल्कुल भी नयापन नहीं है। ऐसे कई सारे ऐप्स मार्केट में ऑलरेडी है, सॉरी बट आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। एनीवेज, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू मयंक, हैव अ ग्रेट फ्यूचर अहेड। मयंक क्या कर रहा है? शांत हो जा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना। शांत। अच्छा, देख, 2 साल से मेहनत कर रहा हूं इस ऐप पर, पूरी रिसर्च की है मैंने, मेरे ऐप जैसा मार्केट में कोई ऐप नहीं है। इस ऐप को फेक बोला, बेसिक का मन किया कि खरा काट के। शांत, मुझे तुझ पर विश्वास है, जिस दिन तेरा ऐप लॉन्च होगा ना यही लोग जो तुझे आज रिजेक्ट कर रहे हैं ना वो तेरे पीछे लगेंगे, तेरे अपॉइंटमेंट के लिए रिग्रेट करेंगे खुद को। बस हो गया पापा, उसे झूठी आशा दिलाना बंद कीजिए, आपकी वजह से उसकी ये हालत है, साइको हो गया है ये आदमी। इसका मतलब मैं बेकार में मेहनत कर रहा हूं, मेरा दिमाग खराब है? हाँ मयंक, डर लगता है मुझे तुमसे, इस घर में मैं सेफ फील नहीं करती हूँ, इस अंधेरे से कमरे में घुटन होने लगी है, मुझे नहीं रहना है मुझे यहाँ। प्लीज पापा, पर मत गिर दो, पापा प्लीज प्लीज। ये ले, पहन ले बेटा, शांत हो जा। जानबूझ के करती है ना तू, तुझे पता है मुझे रोशनी से डर लगता है। क्या तुम्हें मैं पसंद हूँ मयंक? शादी के बाद तुमने कितना वक्त मेरे साथ बिताया है तुम्हें याद है? आखिरी बार हमने बात कब की तुम्हें याद है? क्या तुम्हें मेरी तकलीफ नहीं दिखती? कितनी तकलीफ है ना, तो चली जा अपने घर, मैं खुद को संभाल लूंगा, मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं है। हमारे बच्चे का क्या, क्या इसे भी इसके बाप की जरूरत नहीं है? क्या करूं मैं इसका? ये सवाल उसी आदमी से पूछ जिसका ये बच्चा है। आ जाओ। ताई वो कुकर नहीं मिल रहा है, आपने देखा क्या? वही होगा किचन में। अरे नहीं है, कल ना मयंक भैया लेके गए थे, वापस लेके नहीं आए। मयंक कुकर का क्या करेगा, कुछ भी बोलती हो तुम, जाओ देखो वही होगा। अरे नहीं है, वो नया वाला कुकर है ना, वो भी उनके पास ही है। अच्छा चल मयंक के कमरे में। नहीं है ताई, यहाँ देखो।
ये क्या है? कहीं काला जादू तो नहीं करते भैया? मयंक बेटा क्या है ये? मयंक मैंने सोचा नहीं था तू ऐसा कुछ करेगा। पापा मैं ये गेम में इफेक्ट के लिए लाया था, जस्ट फॉर रेफरेंस। क्या बोल रहा है मयंक तू? अरे बॉम्ब बना रहा है घर पे तू, क्राइम है ये मयंक। अगर तुझे लग रहा है तेरा ऐप काम नहीं कर रहा है तो छोड़ दे, जिंदगी बहुत लंबी है बेटा। मैं समझ जाऊंगा मैंने सारे पैसे गंगा में बहा दिए। ऐसे कैसे? इस सनकी के ऊपर जितना इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न तो मिलना चाहिए ना। और पैसों का छोड़िए पापा, इसे पुलिस के हवाले कर दीजिए ताकि आगे जाके कोई भी धमाका इस घर में ना पहुंचे। तू तो यही चाहता है ना कि एक बार में जेल चला गया फिर सब कुछ ये तेरा। क्या पापा, आप उसे ज्यादा प्यार करते ना इसलिए चलता है, इसलिए हमेशा आपको भड़काता रहता है। ए सनकी क्या बात कर रहा है तू? सही बोल रहा हूं मैं, तू हमेशा पापा को भड़काता रहता है। मैंने कहा था ना पापा एक ना एक दिन ये जरूर होना है। मैं जा रही हूं यहां से, अब एक और दिन मैं यहां नहीं रह सकती। वहनी तुम क्यों रो रही हो? कुछ नहीं होगा तुम्हें, मैं हूं ना। अच्छा स्कूल कैसा चल रहा है तुम्हारा? स्कूल नहीं चलता आई, हम चलते हैं। क्या आई तुमको तो कुछ पता ही नहीं है। अब करेले को खीरा बोलने से मीठा थोड़ी हो जाएगा, रहेगा तो कड़वाई। पिंकी बेटा तुम सोचो, कोई होशियार समझदार तुम्हारी पढ़ाई लेगा तो? मतलब? मैं दूसरी शादी कर लेती हूँ फिर सब ठीक हो जाएगा हम दोनों के लिए। आई तुम्हारी खुशी से बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। हेलो आई कहाँ गई? आई काकी। हाँ बेटा। आपने मेरी आई को देखा क्या? नहीं तो, लेकिन तू चिंता मत कर यहीं पे गई रहेगी दुकान पर। क्या भाजी दिया टिफिन में? बटाटे की भाजी और पूरी। अरे आज भी बटाटे की भाजी? अरे मार्केट में दूसरी भाजी नहीं है क्या? कुछ तो अलग दिया कर। तुम जितना पगार देते हो ना उसमें इसे से काम चलाना पड़ेगा, और अगर पनीर खाना है ना तो पगार बढ़ाओ। आ गई मेरे पगार पे। मामा आए घर पे नहीं है। अरे काम पे गई होगी। नहीं वो मुझे बिना बताए नहीं जाएगी। बेटा तुम्हें बिना बताए बहुत कुछ करती है तुम्हारी मम्मी, बस तुम्हें समझ नहीं आता। बड़ी हो जाओगी ना तो समझ जाओगी अपने माँ के कारनामे। क्या बोल रही है, बच्ची है वो? सच्ची तो कह रही हूँ। मामा आई को ढूंढने चले क्या? अभी नहीं बेटा, मुझे लेट हो रहा है। शाम को मिलते हैं। अरे भाई साहब कुछ तो बोलिए। बोलना ये बोल, आणि डोळे मोठे करून बघू नको कळला ना, नाही तो डोळे काढून गोट्या खेळीन। बोल रे भाई बोल। चिकन बिर्याणी लेकिन सर बिर्याणी के बदले में इसको कुछ बताना पड़ेगा हमको। मैं तुझे बिर्याणी देता हूँ, तू मुझे बता ये सर कहाँ मिला। लगता है उसको नहीं चाहिए बिरयानी सर। गणेश भाव छोड़ नहीं आला। चल चल रेल रेल पटरी। हाँ रेल पटरी। सर पास ही में रेलवे लाइन है, शायद सुसाइड वही किया होगा। कान
रेलवे लाइन पे मिली हर लाश सुसाइड नहीं होती, समझे? और सर को पीछे लगा है, ये सब पीएम रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। फिर भी एक काम करो, रेलवे पुलिस से बात करो, अगर ये सुसाइड है तो उनको पता होगा, अगर सुसाइड है तो लोकल पुलिस स्टेशन को ये केस हैंडओवर कर दो। ओके सर। बिरयानी लेके आना इसके लिए संग्राम। चल। अरे पिंकी क्या हुआ? अरे तू रो क्यों रही है? हाँ आई घर पे नहीं है, कहाँ गई पता नहीं। अरे आई आ जाएगी, क्या है ना कभी कभी टाइम हो जाता है ना, आ जाएगी आई। लेकिन अंकल इस वक्त तो आई आपके घर खाना बनाने आती है ना। हाँ तब तू चिंता मत कर, मैं हूँ ना। अच्छा तूने खाना खाया? नहीं। चलो हम खाना खाते हैं। चलो चलो आ जाओ। चलो पापा, कल ना हम अनुष्का आंटी की सोसाइटी में पूरा दिन घूमे। अच्छा होमवर्क किया ना? पापा हो गया, पहले सुन तो लो। आप सोसाइटी तो देखो, सोसाइटी में जिम, स्विमिंग पूल, मूवी थिएटर सब कुछ है। अरे बाप रे। अरे यहाँ एक पेड़ भी है पैसों का, ये नहीं देखा? मजाक क्या कर रहे हो, देखो तो सही वो क्या कह रही है। अच्छा तो तूने इनको सिखाया है? ओ मैंने कुछ नहीं किया। देख मैं एसआईटी वाला हूँ, ये सब तूने पढ़ा है। चलो मैं ऑफिस निकलता हूँ। सर आज सुबह हमें यहाँ दो डेड बॉडी मिली थी, मेल का सर मिसिंग था, मेल की एज लगभग 60 साल थी और फीमेल की एज लगभग 30 साल थी। कोई मिसिंग कंप्लेंट से मैच हो गए? नहीं सर, बॉडी का जो सर था वो पूरी तरह से क्रश हो चुका था, इसलिए पहचानना मुश्किल था। लेकिन बॉडी के कपड़े और उसके ऊपर का सामान हमने एविडेंस के तौर पे जमा कर लिया है। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। खान मॉर्निंग अपडेट। सर ये केस आसान नहीं है। हाँ ये एसआईटी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, यहाँ कोई केस आसान नहीं होता, और वैसे भी आसान केस में किक नहीं होती। क्या सर आप भी यूथ की जुबान बोलने लगे? अब यूथ के साथ रहना तो उनकी भाषा बोलनी पड़ेगी। बोलो सर। एक नहीं दो मर्डर हुए, एक फीमेल है और एक मेल है, और दोनों में एज डिफरेंस काफी है। तो मर्डर में लड़की का एंगल है, सुसाइड? नहीं सर, रेलवे पुलिस ने ऑटोप्सी कराई है, इन दोनों का मर्डर करके लास्ट ट्रैक पर फेंक दिए ताकि चेहरे की पहचान ना हो पाए। उस औरत का खून गला घोट कर किया गया है और मर्द का खून सर पे पत्थर मारकर किया गया है, क्योंकि उसके सर में स्टोन पार्टिकल्स पाए गए। सर सर और एक बात, यह औरत का रिसेंटली अबॉर्शन हुआ है। हर्षा आसपास के गायनेकोलॉजिस्ट से पता करो इस लड़की के साथ कौन आया था। यस सर। उस सर से किसी मिसिंग कंप्लेंट से पहचान हुई? हाँ सर, गोरेगांव पुलिस स्टेशन में मिसिंग कंप्लेंट दर्ज है। संग्रह सर ये देखिए, अमोल कुलकर्णी एज 58, एक्स इनकम टैक्स ऑफिसर। ऑफिसर कैसा था? He was a good officer, sir. उनके खिलाफ कभी कोई इंक्वायरी नहीं बैठी, और जिनके खिलाफ बैठी उन्होंने उन्हें कभी छोड़ा नहीं, बहुत ईमानदार ऑफिसर थे। फिर तो इस केस में किक है, ये तो हमारे पास ही होना चाहिए। सर ये सब किसने किया? वही पता लगाने आए हैं। मतलब जिस दिन अमोल जी उस रात कितने बजे घर से बाहर गए थे? वो रात को खाना खाने के बाद अक्सर टहलने निकलते थे, उस रात वो देर रात तक नहीं लौटे, इसलिए हमने पुलिस कंप्लेंट कर दी। आपके पापा का कुछ बाहर अफेयर वगैरह? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? My dad was a good man. सॉरी, बात यह है कि आपके पापा के साथ एक औरत की बॉडी मिली है जिसका कुछ दिन पहले एबॉर्शन हुआ था। सर ऐसी कोई बात नहीं है सर, हमारे पापा हमसे कुछ नहीं छुपाते थे। आप दोनों क्या काम करते हैं? मैं एक कॉन्ट्रैक्टर के पास काम करता हूँ। मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, फिलहाल एक गेमिंग ऐप पे काम कर रहा हूँ। और अमोल जी जिस दिन घर से निकले थे उस दिन आप दोनों कहाँ थे? मैं ओशीवरा में था। और आप? मैं घर पर था अपने कमरे में। मतलब वो घर से कब निकले थे वो वक्त आपको पता नहीं? मेरी बीवी घर पर थी।
वो उसे ही बोलकर निकले थे। तो आपकी बीवी कहाँ है अभी? बेडरूम में। मैडम ये स्नेहा है। हेलो स्नेहा, मैं SIT से हूँ। मुझे आपको इन्फॉर्म करना था कि आपके ससुर अमोल जी की 2 दिन पहले मौत हो चुकी है। उनकी लाश हमें रेलवे के पटरी पर मिली। I'm so sorry, लेकिन मुझे आपको ये बताना जरूरी था। आप ठीक हैं? वो बस थोड़ी तबीयत खराब है। आप कुछ मुझे बताना चाहती है, कुछ शेयर करना चाहती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, आप आराम कीजिए। थैंक यू। मान, तुम सही कह रहे थे, फैमिली में कुछ तो गड़बड़ है, दोनों भाइयों में नहीं जमती। मयंक को देखा सर आपने? उसके चेहरे को देख के लगता है उसको बाप के मरने का दुख है। वो निखिल से ऐसे बात कर रहा था कि बहुत गुस्सा है उसके अंदर। सर एक बात और समझ में नहीं आ रही है, ये लड़के का और अमोल जी का ताल्लुकात क्या था? पूरे फैमिली की कुंडली निकाल, पता चलेगा छुपा रहेगा। बहुत मस्ती चढ़ी है तुझे, हाँ? होशियारी करेगा, पुलिस को बुलाएगा। छोड़ दो, सिर्फ गलती होगी, प्लीज। ओहो, बहुत दर्द हो रहा है तुझे, हाँ? क्या करे, ये रिश्ता है कुछ ऐसा है ना, बिल्कुल हीर राज जैसा, एक को चाबुक मारो तो दूसरे को दर्द होता है। तो समझा तेरे रांझे को कि अगली बार से अगर होशियारी की ना तो बटन बटन दबा दूंगा। मैं नहीं यार, मैं नहीं। चल, तू जानती है कि मुझे मेरी जान की कोई फिक्र नहीं है, फिर तू, तेरा बच्चा, तेरा आशिक एक ही झटके में। पिंकी, चलो बेटा आ जाओ, खाना खा लो। अरे आ जाएगी मम्मी, हाँ चलो आ जाओ, चलो चलो जल्दी से खाना खाते। ये कहाँ है मेरी बहन? तूने छुपाया ना उसे? क्या बकवास कर रहा है, परसों से गायब है वो, लोग तरह तरह की बातें बना रहे, दिमाग खराब मत कर रहा, बताओ कहाँ है? पागल है तू? किरण नहीं है यहाँ पे, तूने कुछ किया होगा उसके साथ। ए चुप कर, यहाँ क्यों आते हो, वही मरो ना। पागल हो तुम लोग? अरे चल, अरे चल, अरे खाना तो खाने दो, अरे बचाओ मुझे। चल तुषार, आपका नाम है, आइए आपसे बात करनी है कुछ। आप कौन? SIT मुंबई पुलिस से हम लोग, आइए। सर पैसे ब्याज पे देने का धंधा है मेरा। अमोल जी एक अच्छे इंसान थे, 2 साल पहले उन्होंने मुझसे 20 लाख रुपए मांगे थे और मैंने भरोसा करके उनको दे दिए, पर पैसे फंस गए सर मेरे, इसलिए उन्हें मार डाला। लेंडर को अगर मार देंगे तो पैसे कौन चुकाएगा, वैसे भी हमारे पैसे लौटाने वाले थे। ये 10,000 रुपए है। अब मजाक कर रहे हैं अमोल जी, मैंने आपको 20 लाख रुपए दे दिए और आप मुझे 10,000 रुपए दे रहे हैं? अरे इससे इंटरेस्ट भी आपका ज्यादा होता है। तुषार जी, इंटरेस्ट का टोकन समझ के रख दीजिए, मैं मेरा घर बेच रहा हूँ, उसमें से जो भी पैसे आएंगे आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। ऐसा कितना लोन था उन पर कि उनको घर बेचना पड़ रहा था? मेरे तो 20 लाख रुपए थे और मार्केट से उन्होंने काफी पैसा उठाया था। कितना? लगभग 1 करोड़। इतना पैसा? ये ले, जल्दी कर, कपड़े भी धोने हैं। ये लो।
अच्छा हुआ ये आ गई, काम वाले बाई का पगार परवड़ता नहीं। अब एक बार किरण के घर में रहने चले गए ना तो यहाँ का भाड़ा भी देना नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मामला थोड़ा टाइट है, कुछ दिन बाद जाएंगे। वैसे भी उसने घर के पेपर कहाँ रखे है पता नहीं। सर अमोल जी के अकाउंट चेक किए, सब अकाउंट खाली पड़े हुए, जबकि 2 साल पहले रिटायरमेंट के बाद बहुत बड़ी रकम आई थी उनके अकाउंट में। फिर भी घर बेचने की बात कर रहे हैं, इतने पैसे क्या जरूरत पड़ेगी उसको, वो भी एक रिटायर्ड आदमी को। सर ये जो लड़की जिसका ऑपरेशन हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये अमोल का बच्चा हो और उस लड़के ने अमोल को ब्लैकमेल किया हो, पैसे मांगे हो और अमोल ने पैसे देने से मना कर दिया और उसका पत्ता कट कर दिया? फिर अमोल को किसने मारा? ये केस लगता है उतना सीधा नहीं है। सर ये स्नेहा मयंक और निखिल के फोन रिकॉर्ड्स। कुछ लोचा? सर निखिल झूठ बोल रहा है, जब अमोल घर से निकला तब स्नेहा ने निखिल को कॉल किया और कॉल करते ही निखिल अपने घर से अमोल के घर के लिए निकला। और मयंक? मयंक की लोकेशन घर पे ही है सर। चुटके से लगी वो, मैं गिर गया था। गिरा हुआ इंसान गिरी हुई हरकत करेगा। मतलब अमोल जी जब गायब हुए उस वक्त तू तेरे घर से यहाँ आने के लिए निकला, उसी बीच अमोल जी का मर्डर हो गया। सच बता, तेरी पूरी रिपोर्ट है हमारे पास, वरना। सर ये कैसी बातें कर रहे ऑफिसर? देख मयंक, हम लोग संविधान को मानते हैं इसलिए चुप है। अगर निखिल ने कुछ नहीं किया तो उसका एक्सप्लेनेशन दे दो। सर मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, वो क्या है ना, पापा के जाने का स्ट्रेस था इसीलिए बताना भूल गया मैं। स्नेहा ने मुझे यहाँ खाने के लिए बुलाया था, मैं यहाँ आया, खाना खाया और वापिस अपने घर निकल गया। सर ये सच कह रहा है, ये खाना खा के घर के लिए निकल गया था। चाहो तो आप स्नेहा से पूछ लीजिए। बुला उनको। नहीं जरूरत नहीं उसकी पूछ, क्योंकि आप जानते हैं आपके पिताजी के ऊपर 1 करोड़ का कर्जा था और उसके खातिर घर बेचने वाले थे। नहीं सर। सर जिस औरत की डेड बॉडी मिली थी उसकी बेटी आई है पुलिस स्टेशन पे। अभी तो हम जा रहे हैं, अगर कुछ छुपा रहे हो तो अभी बता दो, मुझे अगर पता चलेगा तो छोड़ूंगा नहीं। चलो। पिंकी बेटा आप इस साड़ी को पहचान सकती हो? ये तो मेरी आई की साड़ी है। और ये? और ये टूटी हुई चेन भी मेरी आई की है, पर इस पर खून क्यों लगा है? क्या हुआ मेरी आई को? देखिए आपकी बहन का मर्डर हुआ है। साहब मैं बताता हूं, वो सूर्या ने मेरे बहन को मारा होगा। चुप! इतनी देर तेरी आवाज बंद थी? एक छोटी लड़की पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने गई थी, तब कहां था रे तू? वो किरण तेरी भी बहन थी ना? मुझे लगा मेरी बहन वो सूर्या के साथ भाग गई, इसलिए शर्म के मारे नहीं आया। लेकिन साहब मुझे पूरा यकीन है उसी ने कुछ किया होगा। कहां रहता है सूर्या? मेरे एरिया में रहता है। गणेश बाबू सर क्यों नहीं चला? बेटा तुम इन्हें पहचान सकती हो? देखो ये तो अमोल अंकल है, मम्मी इनके घर खाना बनाने जाती है, निखिल भैया के पापा है। क्या? निखिल? निखिल हमसे कुछ छुपा रहा है। तेरा और किरण का अफेयर चल रहा था, तेरे वजह से वो प्रेग्नेंट हुई, इसलिए तूने उसका अबॉर्शन करवाया ना? नहीं साहब, किरण मेरे यहाँ काम करती थी साहब, अच्छी औरत थी। ये उसका भाई है ना अनंत, बहुत बदमाश आदमी है साहब, ये उसका घर हड़पना चाहता है इसलिए ये सब कह रहा है। साहब झूठ बोल रहा है ये? साहब आजू बाजू के लोगों का आप पूछिएगा, ये कैसे बर्ताव करता था अपनी बहन के साथ। ए बेटा सच बता, वरना और भी तरीके हैं हमारे पास। सर माना हमारे बीच प्रॉब्लम थे, लेकिन मैंने नहीं मारा उसे। सर इसका पड़ोसी कह रहा था, यह सुबह किरण के घर गया था, कुछ ढूंढ रहा था। सर होशियारी करता है हमसे, तेरे को पता था ना वापस नहीं आने वाली, क्या ढूंढ रहा था? सर मैं घर के पेपर ढूंढ रहा था सर, लेकिन सच मैंने नहीं मारा किरण को। गणेश भाव सर इसको लेके जाओ, जब तक सच नहीं बोलता चमत्कार दिखाओ इसको। चले सच।
चल सब मैं सच बोल रहा हूँ सर, मैंने कुछ नहीं किया। उठंगी तुमको, चल। निखिल का है? क्या बात है सर? उसको पूछताछ के लिए लेके जाना था। अमोल जी के साथ जिस लड़की की लाश मिली थी वो निखिल क्या काम करती थी, राइट? अच्छा, तभी वो हड़बड़ी में कहीं चला गया। मतलब आपके जाने के बाद वो कुछ बड़बड़ा रहा था, कहीं जाने की बात कर रहा था, बहुत नर्वस लग रहा था, और अब उसका फोन भी नहीं लग रहा। आप चाहे तो अंदर आके देख सकते हैं। नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं, लेकिन अगर वो घर पे आए तो हमें इन्फॉर्म कर देना। श्योर। सर, निखिल भाग चुका है, ना वो अमोल के घर पे है ना अपने ओशिवारा वाले घर पे। सर, ये केस बहुत बड़ा चक्रव्यूह है। दोनों केसेस अलग अलग है लेकिन एक दूसरे से जुड़े हुए। सर, निखिल उस चौल में रहता था जहां किरण रहती थी, लेकिन मर्डर होता है उसके फादर अमोल का। बिल्कुल, हो सकता है अमोल और किरण का अफेयर चल रहा था, ये बात निखिल को पता चली और समाज में अपनी इज्जत बचाने के लिए निखिल ने दोनों को मार दिया। सर, ऐसा है तो ये बात मयंक को भी अप्लाई होती है। मुझे तो पहले दिन से उसके ऊपर शक है, साइको लगता है वो। सर, ये आनंद ने ही किरण को मारा है। इतना तोड़ा है ना साले को, फिर भी अपने स्टेटमेंट पे अड़ा है। पक्का खिलाड़ी है साला। या सर, ऐसा भी तो हो सकता है कि निखिल और किरण का अफेयर था, किरण को रास्ते से हटाना था तो हटा दिया, और अमोल को किसी और ने मारा होगा फॉर सम अदर रीजन। अगर ऐसा है फिर ये दोनों की बॉडी एक साथ क्यों मिली? क्या ऐसा तो नहीं कि हम सोच कुछ रहे और सच कुछ अलग है? एक काम करो, ये दोनों भाइयों पे नजर रखो, कातिल इनमें से कोई है। हाँ, निखिल साफ पड़ला भाई जी। ए लड़की, जल्दी जल्दी झाड़ू लगाना, वरना काम नहीं हुआ ना रात को खाना नहीं दूंगी। सर, ये कुछ खाने के बिल्स है सर। गणेश भाई, दो दिन के खाने के बिल? हाँ, ये चुकी है गणेश भाई। नहीं, ये सैंक्शन ही नहीं होगा। सर, ये मेरे बिल नहीं है सर, ये मयंक के घर के खाने के बिल है सर। जब से निखिल गायब हुआ है ना सर, तब से सर एक ही होटल से खाने का ऑर्डर आ रहा है सर, वो भी 3-4 लोगों के लिए। सर, या तो ये मयंक बकासुर है या तो बहुत बड़ा झूठा है सर। मतलब खान, सबसे ज्यादा अंधेरा मशाल के नीचे ही होता है। फर्स्ट फ्लोर बेडरूम में। ओके।
सर। हाँ क्या हुआ? ये बॉम्ब नहीं है, उसने डराने के लिए किया है सर। ये टीवी गन उन्होंने। पापा ही मेरे लिए सब कुछ थे, बहुत भरोसा करते थे, इसलिए सर मेरे ऐप के लिए उन्होंने 1 करोड़ रुपया खर्चा किया। लेकिन यही बात उसने और निखिल को चुपती थी। इसलिए तूने फेक बॉम्ब बनाकर उन्हें टॉर्चर किया? नहीं सर, नहीं, उन्होंने मेरे पापा को मारा है। क्यों? उन दोनों का चक्कर चल रहा है सर। वो बच्चा मेरा नहीं है, निखिल का है। ये सच है सर कि हम पापा को मयंक के ऐप पर खर्च करने से मना करते थे, क्योंकि हम जानते थे कि मयंक के ऐप में कोई फायदा नहीं है। इसके लिए उसे हमेशा रिजेक्शन ही झेलना पड़ता था। और इसके अलावा जो कुछ भी मयंक ने आपसे कहा वो सब झूठ है। मेरे और निखिल के बीच में कुछ भी नहीं है, इस बच्चे का बाप मयंक ही है। जिस रात अमोल कुलकर्णी गायब हुए उस रात आखिर क्या हुआ था? पापा और मयंक का झगड़ा हुआ था। स्नेहा फोन दे, तेरा फोन दे, निखिल को फोन लगा। उसका भी फोन नहीं लग रहा है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। निखिल का नंबर नहीं लग रहा था, इसलिए पापा खुद उससे मिलने चले गए। सर फोन तो आए थे मुझे, मिस कॉल अलर्ट देख के मैंने वापस फोन किया था स्नेहा को, तब स्नेहा ने मुझे वहां के सब हालात बता दिए। मैं घर पे गया तो उसने हम दोनों को एक कमरे में बंद कर दिया सर, और बॉम्ब के डर से हमें हॉस्टेज बना दिया। अमोल जी बाहर जाने के बाद मयंक भी बाहर गया था? मैं नहीं जानती सर, मैंने जब निखिल को कॉल किया ये सब देखकर मुझे चक्कर आने लगे और निखिल के आने तक मैं बेहोश हो गई थी। अच्छा किरण का और तुम्हारा क्या चक्कर था? किरण के साथ? अरे नहीं सर, वो तो सिर्फ मेरे घर में खाना बनाने आती थी। तुम्हारे पिताजी का? नहीं सर नहीं। हाँ पापा और किरण बात करते थे, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ हो सकता है। हो नहीं सकता कि तुम मान नहीं रहे हो कि तुम्हारे पापा और किरण के बीच संबंध थे। पता नहीं सर। खान कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या सच क्या झूठ, वो किरण का और अमोल का अफेयर था या नहीं था? सर हम ये निखिल पर भी विश्वास नहीं कर सकते। हो सकता है ये बच्चा निखिल का हो और मयंक सच बोल रहा हो। समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर क्या इस लड़की का अबॉर्शन यहाँ पे करवाया था? हाँ ये लड़की यहीं आई थी, मुझे अच्छी तरह से याद है। क्यों, ऐसा क्या हुआ था? क्योंकि ये लड़की अबॉर्शन नहीं कराना चाहती थी, पर इसके साथ जो आदमी था ना वो इसका अबॉर्शन करवाना चाहता था, और मैंने कहा कि ऐसे कंसेंट में अबॉर्शन नहीं होगा। फिर क्या हुआ? फिर वो मान गई थी। ये देखिए ये कुछ तस्वीरें हैं, इनमें से कौन उसके साथ आया था बता पाएंगी? ये यही था। अरे सर ये तो इलीगल है। कुछ इलीगल नहीं है, चोरों के साथ रह के उनकी सोच और टेक्निक दोनों शिक्षकों में ये ले। कमाल है। सब मुझे यहाँ क्यों लेके? खाना मंगवाए पंच पकवान मस्त खाने का, सब सच बता दिया है उसको। तेरा और किरण का लफड़ा चल रहा था ना, हाँ दूर जाके अबॉर्शन करवाया ना उसका, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं होगा? उस डॉक्टर ने पहचान लिया है, तेरे कार में अमोल के ब्लड के ट्रेसेस मिले, समझा? अब सच बोल और शुरू से बोल। मैं किरण के साथ टाइम पास कर रहा था, जब उसने मुझे प्रेगनेंसी के बारे में बताया तो मैं काफी डर गया था साहब, मुझे लगा वो गले पड़ जाएगी। बच्चा क्यों गिराना है, शादी कर लेते हैं ना। अरे मैं शादी करने के लिए थोड़ी ना मना कर रहा हूँ, लेकिन किरण ये बच्चा नहीं करते। देखो हमारी पहले एक बेटी है और उसका प्यार मैं बांटना नहीं चाहता हूँ। सोचो दो बच्चों की परवरिश करने की हमारी औकात है। पर तुम उससे शादी तो करोगे ना? पक्का, एक बार मेरे घर वालों से मिलो दूसरे दिन शादी कर लूंगी।
मैंने उसे मना लिया था, लेकिन हम जब क्लिनिक पहुंचे तो उसने मना कर दिया। हमारे बीच काफी लड़ाई हुई, फिर वो मान गई। मारा क्यों? वो एक दिन उसको मेरी शादी के बारे में पता चल गया। उसने काफी लड़ाई की, मेरी बीवी से बात करने की धमकी दी और मुझे रेप केस में अंदर करेगी, तो मैं डर गया था। तो मैंने उसे कहा कि मैं मेरी बीवी को छोड़ दूंगा। बहुत भोली थी, ये भी मान गई। उसको लेके जा, चल या चल। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।